नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप युवा होते हैं उस समय आपकी उम्र आपके पक्ष में होती है और आप सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको अपने शरीर और अपने महत्वपूर्ण अंगों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। कुछ ऐसी जीवन शैली बीमारियां हैं जिनके संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप स्वास्थ्य समस्याओं से घिर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जिसकी जानकारी उम्र बढ़ने के साथ हर व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि वो समय रहते इसके प्रभाव को नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको किस किस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उम्र बढ़ने के कारण आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के कारण हो सकती है हृदय की समस्या, इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में हृदय संबंधी बीमारियों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ज़्यादातर उन लोगों को जिन्हें 40 वर्ष से कम उम्र में ही डायबिटीज़ की समस्या हो गई है, मधुमेह हो गया है। कई रिसर्च में यह पता चला है कि जो लोग डायबिटीज़ मधुमेह से पीड़ित होते हैं उन लोगों में मायोकार्डियल इन्फारेक्शन से पीड़ित होने का खतरा अधिक रहता है। 47 से 50 की उम्र के बीच बिना मधुमेह वाले लोगों की तुलना में मधुमेह से ग्रस्त लोगों को स्ट्रोक या यहाँ तक कि समय पूर्व मृत्यु की समस्या हो सकती है। यह एक कारण है कि पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरह से चेक करते रहें और उसका ध्यान रखें। उम्र में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने से होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। यह सच है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों को प्रजनन स्वास्थ्य कम होने लगता है, पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होने पर यह उन्हें और अधिक असहनीय बना देता है, जैसे कि बिस्तर पर प्रदर्शन के मुद्दों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो उसे 40 साल की उम्र के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। तो आप अपने यौन जीवन की समस्या से पीड़ित नहीं रहना चाहते हैं तो देर होने से पहले अपने स्वास्थ्य की देखभाल गंभीरता से करें। इसके लिए आप चुकंदर और अन्य सब्जियां खाएं, ये आपकी कामेच्छा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आयु बढ़ने पर होता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर इज चीफली इज डिजीज ऑफ एजिंग। यदि किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर नहीं है तो सभी को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग पुरुषों में यह बहुत आम समस्या है। प्रोस्टेट की अन्य समस्याएं भी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाने का कारण बन सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 39 से कम उम्र के पुरुषों में 0.005% प्रोस्टेट कैंसर के विकास की संभावना बढ़ जाती है। वहीं 40 से 59 वर्ष के बीच के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के विकास की संभावना 2.2% बढ़ जाती है और 60 से
79 ईयर्स के बीच के पुरुषों में 13.7% प्रोस्टेट कैंसर के विकास की संभावना होती है। हालांकि उचित जांच और उपचार से इससे निपटने में बहुत अधिक प्रबंधनीय तरीके से मदद कर सकते हैं। याद रखें, मूत्र में रक्त आना प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में झड़ते हैं बाल, एजिंग कॉज हेयर लॉस। पुरुषों में बालों के झड़ने की समस्या आम बात है और बहुत से पुरुष तो पैटर्न गंजेपन की समस्या से बच भी नहीं सकते। पुरुष और पैटर्न गंजेपन के बीच एक मजबूत कड़ी है और इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से कोई सलाह या परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।